हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस में। पिछले टाइम पे हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन, जिसमें हमने जाना था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, जैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। ओके, तो हमने लास्ट में उसको जहां खत्म किया था हमारा वो पार्ट, तो हमने एक ट्रिक निकाली थी जिससे हम लोग साइन कॉस टैन और कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, उसका उसकी उसका क्या फॉर्मूला होता है वो हमने देखा था। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ट्रिक बनी थी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक हमने ऐसे लिखा था, कॉट सेक कॉसेक। तो ये पी क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है। ये आपको पता है ट्रायंगल में पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ओके, जिस एंगल का हम निकालना है उसके अपोजिट साइड। और बी क्या होता है, बेस होता है, मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, जिसका हम एंगल फाइंड कर, जिसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। और तीसरा हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस क्या होता है, ये साइड होती है जो सबसे बड़ी लेंथ होती है। ओके, अब जो देखिए हमने इंग्लिश में बता दिया था और हिंदी में भी आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हाइपोटेनस को हम लोग हिंदी में बोलते कर्ण, परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में बोलते लंब, और बेस को बोलते आधार। ओके, तो आधार क्या होगा हमारा, बेस, परपेंडिकुलर हो गया लंब और हाइपोटेनस कर्ण। ओके, तो देखिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारा क्या बना, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का पी बाई एच साइन का, फिर कॉस का हो जाएगा बी बाई एच और टेन का हो जाएगा पी बाई बी, और फिर कॉट के लिए हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बी बाई पी, और सेक के लिए सेक कॉस का ऑपोजिट होता है तो क्या हो जाएगा एच बाई बी, और कॉसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी, क्योंकि कॉसेक साइन का ऑपोजिट होता है। उसी तरीके से हिंदी में हम लोग क्या बना सकते हैं, हिंदी में हम लोग बना सकते हैं ये क्या, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मतलब लाल कक्का, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, लाल कक्का हम लिखेंगे लाल और के के ए। ओके, इसको हम लोग को इसी फॉर्मेट में लिखना है। साइन का यहां से हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार, और कॉट का फिर नीचे से ऊपर अपोजिट, आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, और कॉसेक का साइन का अपोजिट हो जाएगा क्या, कर्ण बटे लंब। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आया। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इसकी एक छोटी सी थ्योरम देखते हैं कि हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो हमारे साइड्स की लेंथ पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। चलिए देखते हैं, ये हमारा है एक, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ओके, जिसको हम लोग अभी तक बनाते आ रहे हैं ए बी सी। ठीक, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है। तो क्या है, इस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम पहले क्या देते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम चलिए साइन को बेस मान के देखते हैं, चेक करते हैं साइन के लिए, सॉरी तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, इसमें साइन ए की वैल्यू होगी क्या, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका ये है, हाइपोटेनस आपका ये, लंब आपका ये, कर्ण ये आपका है। ओके, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए सी, सॉरी बीसी अपॉन ए सी हो जाएगी हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, तो चलिए देखते हैं, तो बीसी अपॉन ए सी हो जाएगी, इतना आपको समझ में आया। इस ट्रायंगल एबीसी में ये है वैल्यू। ओके, ट्रायंगल एबीसी के लिए, ट्रायंगल एबीसी में क्या हो जाएगी, बीसी अपॉन एसी हो जाएगी। ठीक, अब जो है हम लोग देखते हैं अगले के लिए। मान लीजिए हम यहां पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये परपेंडिकुलर एक और हो गया हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं एम एन नाम दे देते हैं। ओके, जो कि एसी को एन पे क्रॉस कर रहा है, तो हम एम एन इसकी वैल्यू दे देते हैं। अब इस पर इस मतलब ट्रायंगल के लिए क्या है, ट्रायंगल ए एम एन, इस ट्रायंगल के लिए साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए ट्रायंगल ए एम एन, इसमें क्या हो जाएगा साइन ए, साइन ए हो जाएगा हमारा एम एन डिवाइड बाई ए एन, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये अपॉन ये, तो यहीं तक वैल्यू लेंगे क्योंकि हमें इतने ट्रायंगल के लिए देखना है, इसको भूल जाना है सेकंड के लिए। फिर मान लीजिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ओके, आगे बढ़ा के हम लोग यहां तक ले गए
और इसको आगे बढ़ा के हम लोग कुछ ऐसे यहां तक ले गए, ये वाली हमारी टाइप, और फिर ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, इसको हम लोग दे देते नाम पी क्यू। ओके पी क्यू दे देते हैं। तो ये अब हम ट्राइंगल में देखेंगे ए पी क्यू, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे। ओके ए पी क्यू वाला ट्राइंगल लेंगे, तो ए पी क्यू ट्राइंगल में देखते हैं, ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू में साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू आपकी यही हो जाएगी, देखिए पी क्यू अपॉन ए क्यू, पी क्यू अपॉन ए क्यू। ये तीनों समझ में है आपको, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ये है आपकी और थर्ड इक्वेशन ये बन गई आपकी। तो तीनों में आपका एलएचएस क्या है, साइन ए साइन ए साइन ए, एलएचएस इक्वल है ऑब्वियसली हमारा आरएचएस भी इक्वल होगा। ओके इतनी बात समझ में आई, देखिए वैल्यू इक्वल है, अगर यहां पे 1/4 है तो यहां पे भी 1/4 है, यहां 1/4 है तो यहां भी 1/4 ही है। कैसे, देखिए आपकी ये लेंथ तो बढ़ रही है, जाहिर सी बात है ये लेंथ इससे छोटी है और ये लेंथ इससे छोटी है, तो चेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रेशियो फॉर्म में बढ़ रही है। जैसे कि हमारा मान लीजिए यहां पे हमें क्या मिलता है, बीसी अपॉन एसी इक्वल टू एमएन अपॉन एएन इक्वल टू पीक्यू अपॉन एक्यू। ओके ये आपको समझ गया, देखिए ये आपको मिल गया यहां से, तो तीनों इक्वल है, तीनों के रेशियो इक्वल है। एक्चुअल में मान लीजिए इसकी वैल्यू आपकी 1/2 थी और इसकी mn की वैल्यू आपकी, सॉरी इसको मान लो हम लोग मान लेते बीसी आपका था, बीसी आपका ये और ये एसी, बीसी हमको मान लेते हैं, बीसी हम लोग मान लेते हैं 2। ओके और एसी मान लेते 4, बीसी 2 और एसी 4। अब हम इसको क्या मान लें, इसको हम लोग मान लेते 1, इसको हम लोग मान लेते 2। ओके अब इसके लिए क्या होगा, इसको हम लोग मान लेते 1, इसको हम लोग मान लेते 2, और बड़े वाले में क्या देखते हैं मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते 3, इसको मान लेते 6। AQ हमारा क्या है 6, PQ हमारा है 3, तीनों को कैंसिल कर दें। देखिए लेंथ टिविट के अकॉर्डिंग अलग अलग है, बट इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो फाइनली 1/2 ही आएगा, क्योंकि 2 2 4, 3 2 6। तो आपका रेशियो फॉर्म में अगर आप देखे जाए तो क्या ये 1/2 1/2 1/2 होगा। ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे ये नंबर्स लिए हैं, ठीक है। तो रेशियो हमेशा बराबर रेशियो में बढ़ेगा, ट्रायंगल रेशियो पे डिपेंड करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नाम ही से पता चला ये एक रेशियो है, तो फिर क्या है इसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा। ओके यहां से हमें पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो does not depend upon the length of the side। ठीक यही हमारे थ्योरम थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंथ साइड की लेंथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ओके आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप अब हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हर हमारे हर वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। ओके चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय।